सुल्तानपुर जो गाड़ी आ रही है अजमेर साइड में मारवाड़ साइड की तरफ से, तो उसमें किन्नर जोर जबरदस्ती करके पैसा मांग रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ये रेलवे सुरक्षा बल का अभियान चल रहा है किन्नरों के खिलाफ और हम अक्सर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज हमें एक वीडियो प्राप्त हुई और रेलवे हेल्पलाइन पे एक शिकायत आई कि सुल्तानपुर जो गाड़ी आ रही है अजमेर साइड में मारवाड़ साइड की तरफ से, तो उसमें किन्नर जोर जबरदस्ती करके पैसा मांग रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वीडियो को देखा, स्टाफ को अलर्ट किया और स्टाफ को तैनात किया। हमें ऐसा भी आभास था कि ये लोग चलती गाड़ी में स्टेशन से पहले ही पहुंच जाएंगे। आगे तक कम से कम 8-10 स्टाफ तैनात कर दिया था हिलाल फाटक से आगे तक, और जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही हुआ। उनमें से एक जो किन्नर थी वो लाल फाटक से पहले ही चलती गाड़ी से उतर करके और जाने लगी। हमारा स्टाफ सतर्क था, उन्होंने उसको रोक लिया। दूसरी को रेलवे स्टेशन पे हमने पकड़ लिया। शिकायतकर्ता एक महिला थी जिसने हमारी बहुत मदद करी और वो रेगुलर हमारे से संपर्क में रही फ़ोन पर। उसने पल पल की इंफॉर्मेशन हमें दी, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम दोनों को पकड़ पाए हैं। और ये दोनों अजमेर की रहने वाली किन्नर हैं। बता रही हैं कि आज बांद्रा से ये लोग गई थी मारवाड़ तक और मारवाड़ से वापस आ रही हैं। इनके पास करीब 8,500-9,000 रुपये मिले हैं जो इन्होंने ऐसे ही मांग मांग के जो व्यवस्थित कर करके कमाए हैं। क्योंकि वो कंप्लेनेंट सतर्क थी और उसने हमारी मदद की, तो समय रहते इनको पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही निवेदन है कि वो रेलवे हेल्पलाइन या 139 उस पर सूचना दें और पुख्ता सूचना दें, इन्फॉर्मेशन जारी रखें, जिससे हम इनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकें। रेल अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या नाम है? एक का नाम है दिव्या और दूसरी का नाम है भारती। दोनों अजमेर की रहने वाली हैं, यंग हैं और उनका काफ़ी दिन से यही काम चल रहा है। एक तो पूर्व में भी पकड़ी जा चुकी है और कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं।